हेलो असलम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तुम्हारा आज का टॉपिक आपका मोबाइल लॉक स्क्रीन पे है, तब आपको अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, जब वो मैसेज करता है तो आपका फ़ोन पे जो भी मैसेज वो लिखता है वो आपकी स्क्रीन पे लॉक स्क्रीन पे दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर कोई भी आपको मैसेज करता है सिर्फ उसका नोटिफिकेशन मिले, जो भी वो मैसेज में लिखता है वो दिखाई स्क्रीन पर ना दे, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, हमारा आज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करेंगे यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे ऊपर सारी का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लेना है व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप लिख के आप सर्च करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर होता है नोटिफिकेशन, सिंपली आपने इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपका यहाँ पे इस तरह से होगा शो कंटेंट, ठीक है। इसको आपने हाइड कंटेंट पर कर देना है। हाइड कंटेंट पर जब आप करेंगे तो इसके बाद आपको जो भी कोई मैसेज करेगा स्क्रीन पर सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आया, ठीक है, तो कंटेंट शो नहीं होगा। तो इस तरह से ये सेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पे मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।